बेगूसराय के रजौड़ा में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प को लेकर लगातार राजनीति जारी है। जदयू के पूर्व विधान पार्षदों ने डीएम ऑफिस के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला दहन कर जमकर विरोध किया। जदयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर तूल दिया और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो संविधान है वो बरकरार रहेगा किसी कीमत पर, ऐसे आदमी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक नरेंद्र मोदी जी इस आदमी को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करेगा तब तक जनता दल यूनाइटेड का संघर्ष जारी रहेगा। लड़ाई ये मुद्दा भाजपा के खिलाफ नहीं है, एकमात्र केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ है, उसको इस्तीफा तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जदयू के कर रहे हैं तो जदयू का अधिकृत नहीं है तो ऐसे बिना अधिकृत कर रहे हैं। जब हम लोग पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री को कोई गाली देगा अपमानित कर देगा तो इसमें परमिशन क्या लेंगे? हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। अच्छा करेंगे तो ये यदि दंगा फसाद के बात करेंगे तो बेगूसराय जिला के हर चौक और चौराहा पर उनका पुतला फूकेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनके कार्यक्रम के विरोध करेंगे। ये अनवरत हम लोग का जारी रहेगा। जदयू नेताओं ने कहा है कि यह भाजपा या एनडीए का विरोध नहीं है, यह सिर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विरोध है। गिरिराज जी के जी का जो भाषा था और उन्होंने जो यहाँ नफरत का बीज बोने का जो प्रयास उन्होंने किया तो लगा कि अगर इसको अभी नहीं रोका जाएगा तो बेगूसराय को भी वो दूसरे जिले के रूप में वो ढाल देंगे। तो यह बेगूसराय मोहब्बत का जिला है, भाईचारा का जिला है और यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम करके कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुआ है और ये बेवजह उस और इसको ढकेलना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री को इस तरह का बयान देने का कौन सा मतलब था? और हर बार वो यह कहते हैं कि नीतीश कुमार से हम पूछ रहे हैं, उनसे पूछती है बेगूसराय की जनता कि आपको सांसद बनाए थे विकास करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाने के लिए, आपको किस लिए बनाया गया था? त्रुट में आज सारे लोग जनता दल यू के कार्यकर्ता आए हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम लोगों का आंदोलन केवल ये समझ लीजिए केवल और केवल गिरिराज सिंह जी के खिलाफ है। एनडीए में एनडीए के कोई नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुए बेगूसराय में, केवल और केवल गिरिराज सिंह से जुड़ा हुआ है, गिरिराज सिंह जी के भाषा से जुड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि जिस तरह बिहार के बेगूसराय के बाहर बोलते हैं, जिस तरह से बेगूसराय के बाहर हम सामाजिक टकराव पैदा करते हैं, बेगूसराय में भी कर लेंगे। बेगूसराय में यह चलने वाला नहीं है। तो ये हम लोग बताने के लिए आए हैं कि आप सांसद हैं, मंत्री हैं, तो उसके गरिमा को ख्याल में रखिए और एनडीए के नेता हैं तो एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का इज्जत करना सीखिए, नहीं तो जनता दल यू का कार्यकर्ता आपका भी इज्जत करना नहीं जानते। क्योंकि वो बार बार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम कह बांटने का काम करते हैं, इसको लेकर जदयू उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।